और अब बेहद जरूरी हो जाता है दूसरा सवाल इस त्वरित सर्वे का आपके सामने रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जुड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों, उनके भरोसों, उनकी गारंटी से। और वो दूसरा सवाल क्या है जल्दी से आपके सामने रखते हैं। अब दूसरा सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर ले आइए। त्वरित सर्वे का अगला सवाल आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2047 तक, हाल में एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा और भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। तो सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री के बयान से आप सहमत हैं? देखिए इसमें किस तरीके से 46% पूरी तरीके से सहमति जता रहे हैं, थोड़ा सहमत कहने वालों का आंकड़ा 16% है, सहमत नहीं 34%, पता नहीं 4%। तो ये पूरी तरीके से सहमत और थोड़ा सहमत वाला आंकड़ा अगर जोड़ लिया जाए तो फिर यह आंकड़ा 62% पर पहुंचता है। जल्दी से खास मेहमानों का रुख करती हूं। वो जिस गारंटी वाले भरोसे की बात अभी जैनेन्द्र कर रहे थे, सुधांशु जी, यही भरोसा कमोबेश देश के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? देखिए, वो भरोसा मोदी जी ने अपनी मेहनत, क्षमता और दृढ़ता से विगत 22 वर्षों में अटे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय देश में एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में कॉन्सेप्ट था एंटी इनकम्बेंसी, यानी जो भी सत्ता में रहेगा 5 साल के अंदर लोग उससे नाराज हो जाएंगे और वो हट जाएगा, सरकार पलट जाएगी। पर मोदी जी ने लगातार 3 बार वहां सरकार बनाई और केंद्र में पहली बार स्पष्ट बहुमत, दूसरी बार फिर तो प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया। वो कैसे हुआ? विश्वास के कारण। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आपके सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है कि 46% लोग पूरी तरह सहमत हैं और 16% लोग थोड़ा सहमत हैं, यानी 62% लोग थोड़ा बहुत सहमत हैं। पर अगर मैं ये जानना चाहूंगा इसमें आयु वर्ग बता दिया जाए तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि युवा वर्ग इन विषयों पे ज्यादा सहमत होगा, हो सकता अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगता हो कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा और बदलाव की संभावना कम है, परंतु जो 21वीं सदी का युवा है मुझे लगता है वो शायद उसकी संख्या इसमें अधिक होगी जो कह रहा है हाँ। ये बहुत सही बात कह रहे हैं आप सर, लेकिन बस मैं इतना जोड़ती चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जिस तरीके से जात धर्म का बंधन तोड़कर लोकप्रियता हासिल किए हुए हैं इस देश में, वैसे ही वो उम्र का बंधन भी तोड़कर लोकप्रिय हैं। हर आयु वर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जमकर लोकप्रिय हैं। सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्रभुदयाल जी का रुख कर लेते हैं जल्दी से, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी है तो उनकी बात पर भरोसा, यही इस त्वरित सर्वे का लब्बो लबाब इस सवाल के जवाब में नजर आ रहा है। प्रभुदयाल जी, मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं क्यों लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी कामयाबी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लिए करवाई। ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतनी बड़ी समिट को ऑर्गेनाइज करना, इतने तरह तरह के मीटिंग्स, और उसके अलावा सब बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके पास यहाँ है और भारत को इतनी इज्जत दी, और उस सब के ऊपर आइसिंग ऑन द केक की वो जो अग्रीमेंट हुआ इतना बड़ा, उसमें 100% यूनिटी से उसको मंजूरी दी गई। ये कोई छोटी बात है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये कभी देखने में नहीं आता इंटरनेशनल स्फीयर में। तो जो लोग इस अचीवमेंट को कब दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हैं कि हम इससे अग्री नहीं करते, वो बड़े बेवकूफ है। मेरा मानना यह है कि इंग्लिश की एक एक्सप्रेशन यूज करें, इट्स अ ब्यूटीफुल फेदर इन इंडियाज कैप, और भारत की जो एक लीडरशिप प्रोफाइल है वो आगे उभर के आई, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एब्सोल्युटली सर, आपसे मैं पूरी तरीके से सहमत, लेकिन लोकतंत्र सर, और ऐसे में मतभेद की गुंजाइश हमें कहीं ना कहीं छोड़ देनी चाहिए और थोड़ा शब्दों का चयन संभल कर करना चाहिए उन लोगों के लिए जो फिलहाल एक अलग राय जाहिर करते हुए सर्वे में नजर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।